कला हेउची सभ्यतार परिचय कला जोगु उत्कलर परिचय देश विदेश रे सृष्टि करि परछंती डॉक्टर ज्ञानेश मिश्र जे कि उड़ीसा रो कला ओ सभ्यता को से देश तथा विदेश रे प्रतिपादन करिबारे सक्षम होई परछंती एवं बहुत सुनाम अर्जन करिछंती सीधासळक हम सहित अछंती सेई डॉक्टर ज्ञानेश मिश्र आमी तंक सहित आलोचना करिबा सर प्रथमे कलिंग टीवी के स्वागत नमस्कार कोन कहिबे कला संपर्क रे कला सभ्यतार परिचय सृष्टि करिपारे आपणक भाषा निश्चित भाव में कहीपरिया प्रथम कला संपर्क में कौन कहे के स्टार्ट करते के आरंभ करते यात्रा से संपर्क कौन कहे कला मनीषर गोटे जन्मगत प्रकृति जोटा रिकास किसी लोकों भितर बहुत कम बयस रही था मोर भी ठीक से भाई आरंभ होता गाँ जीवन रु मटी सांगे खेल खेल भितर मु जानिबाकु पाइथिली कि मो बापा माँ मैंने जानवाक चाहिए मो भीतर गोटे मो मो देह गोटे सेमती गुणर अधिकारी मु तापर मोर ट्रेनिंग आरंभ होता साधारणतः आम कलार संस्कार जन्म रु ही था आम जो रिचुआल्स अच्छे सब पारंपरिक कला जो सब अच्छी ता देह आस्ते आस्ते डेवलप करी तापर ट्रेनिंग आरंभ होती ट्रेनिंग भितर विभिन्न जगह मुझे बुली नेपाल भी थी तो पट्टचित्र हूँ मोर प्रथम ट्रेनिंग आरंभ करी तापर ओडिशा जिते सब ट्रेडिशनल पेंटिंग अच्छी जमती केत जन हूँ बहुत लोग कम ताको अभ्यास कर सुजोग पाई था कि मु प्रकृत भाग्यवान कि मुझे बहुत बड़ बड़ इनिट्यूट आर्टिस्ट मान पाखे जा ट्रेनिंग नहीं ठांगा पेंटिंग कांगरा पेंटिंग टांजोर पेंटिंग मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग लिपाक्सी पेंटिंग तो जितेबाला आपण गोटे अध्ययनरत हेबे ता भितर विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट आपण पाखु आसिबो एवं आपण तार अधिकारी हेबे ठीक से ही मुझे जीवन नहींतिला एवं तापर मु जॉइन करथिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डिविजन रे पॉटरी डिपार्टमेंट रे मु 35-30 वर्ष होला काम करथिली। हाँ मु किछ लोक मते टेक्नोक्राट आर्टिस्ट बोली डाकंती किंतु प्रकृत रे जणे कलाकार हवा पई हेले जणे दक्ष कलाकार हवा पई हेले तुमको सबु सब्जेक्ट उपर ज्ञानर अधिकारी होबार अछि आपण इतिहास नियंतु मैथमेटिक्स नियंतु साइंस नियंतु फिजिक्स नियंतु जेकोनसी जिनस नियंतु प्रत्येक जिनस केमिस्ट्री भी गोटे आर्टिस्ट पई निहाती दरकार ओडिशा को शिफ्ट हेबे ओडिशा रे एवं माटी घर उपर बेसी फोकस देबे ग्रामांचल रे शिक्षा प्रदान करिये किभली भाबरे निजे आमे निजे घर तैयारी करि परबा आवश्यकता नाही तापर मध्ये आपण ट्रेनिंग देबे प्रशिक्षण मध्ये व्यवस्था करिवे तहे तो माटी घर को अधिक प्राधान्य देबे आमे कहि परिया ओडिसा रे आपण जो कहउछन्ती ग्रामांचल रे सब सृष्टि करिवे ए जो लक्ष्य अछि आपणकर एबे जहाँ चर्चा होउछि एवं मध्ये आमे जानिछन्ती से संपर्क रे कोन कहबे कोन कोन सब लक्ष्य अछि आमो दर्शक को कहंतु। हां सबटु खुशीर कथा आमो ओडिसा को ग्रामांचल देश बोली कह जाय राज्य बोली कह होय बहुत खुशर कथा तेणु ग्रीन रेवल्यूशन जोटा थिला सेठी ओडिशा रे आमे आस्ते आस्ते टिके ता उपरे व्यंग प्रभाव टिके आमर पड़ी ता उपरे तो ग्रीन कंस्ट्रक्शन आमे ग्रीन रेवल्यूशन जेतेबेले कहउछन्ती ग्रीन कंस्ट्रक्शन रे जो माटी घर कथा आमर बालेश्वर दीघा सेपटरे गले भी आपण देखिबे जे दुई माने दुई महला तीन महला माटी घर एबे भी अछि 200-300 वर्ष तलर घर तेरी के अछि तेणु मेटेरियालटा से गलत ना गलत थिला आमर इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन एंड कन्सेप्ट
जदि आम एजुकेटेड बोली कौन आम हाईली डेवलप बोली कौन आम एक क्षेत्र में किसी डेवलप करवा तो जोटा मोर कनसेप्ट थिला एवं मुतापर काम करछि एवं मु आसिकी सेठी पहुँची जोठी की गोटे माटी की यूज करी ए वेरी मॉडर्न कनसेप्ट रो एलिगेंट हाउस आम या संभव है आ मु चाहूँगी ओडिशा रे प्रथम जाए कि से घर करने योजना भी करुच्ची जदि ओडिशा सरकार आसती आगे आसती राजी अच्छी जे प्रत्येक एरिया रे कि प्रत्येक अंचल रे कि प्रत्येक गाँव में किसी पिला मेट कर ट्रेनिंग देकिज घर सी निजे केमी करेंगे मटी से अच्छे मटी कौट आने दरकार पड़बनी जे लेबर कॉस्ट आउ गोटे कंटेम्पररी लिविंग एवं अति सहजे गोटे टेक्नोलोजी से आडप्ट करेंगे मोबाइल आजिकल गाँव में जी बुढ़ीमा अच्छी सी भी मोबाइल यूज करुच्ची तेणु कौन से टेक्नोलोजी की इम्प्लीमेंट करवा बहुत बड़ कथ नुह जे कई भी शिखिपारे इम्प्लीमेंट करेंगे निज घर से निजे करेंगे।